डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने जो है सेक्शन 110 तक कवर किया था, जो कि कीपिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर एंड पीस के लिए था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिभूति। और उसके अंतर्गत आपने देखा कि 106 से लेकर 110 तक के प्रोविजन है, जिसमें 106 के ग्राउंड्स जो है 106 जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए है, और 107 ऑनवर्ड 110 तक के जो ग्राउंड्स हैं उस पर एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रतिभूति लेने के लिए सशक्त है, और वो अधिकतम एक साल और 110 के केस में 3 साल तक की प्रतिभूति पर उसे रिहा कर सकता है। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये केवल एक सीआरपीसी के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के आदेश की उल्लंघन होता है तो फिर वो ऑफेंस है और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर सजा की कार्रवाई कर सकता है। तो ये कोई सजा नहीं है, ये जस्ट जो है इसमें प्रतिभूति देने के बाद हर महीने कोर्ट में एक तारीख पर प्रेजेंट होना पड़ता है, और अगर उस दौरान जितने समय के लिए मजिस्ट्रेट ने कहा है 3 महीने या 6 महीने या साल भर, अगर आपने इसका वॉयलेशन नहीं किया तो ये अपने आप जो है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर विद इन टाइम आपने इसका वॉयलेशन किया तो फिर वो मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन का एक अपराध बनता है और उसमें फिर वो सजा मिलती है। तो इसके नेक्स्ट जो आगे के प्रोविजन है वो आज कवर करते हैं, जिसमें खासतौर से सेक्शन 111 है, जो कि अभी आपको स्लाइड्स पे दिख जाएगा, ये 111। इसमें आदेश का दिया जाना, किस तरह के आदेश का, यानी 106 से 111 तक की जो ग्राउंड्स अगर अवेलेबल हैं, उस ग्राउंड की सूचना मिलती है, मजिस्ट्रेट विश्वास करता है कि उस तरह के ग्राउंड्स हैं कि उस व्यक्ति को प्रतिभूति देने के लिए कहा जाए, तो वो 111 में आदेश करता है। क्या है इसकी लैंग्वेज, 111 की प्रोविजन है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107, 108, 109 या 110, ये चारों सेक्शंस का जो हवाला सीआरपीसी में दिया गया, ये चारों सेक्शन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है कि अधीन कार्य कर रहा है या आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा, और प्रतिभूतियों की यदि कोई हो अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित में आदेश करेगा। यानी जब उस व्यक्ति को प्रतिभूति के लिए कहा जाएगा तो मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर जारी करेगा, उस ऑर्डर में किस कारण से उसको प्रतिभूति जमा करने के लिए कहा जा रहा है वो उसे बताया जाएगा, और वो कारण कौन से होंगे, वो कारण होंगे जो 107 से लेकर 110 तक में जो ग्राउंड्स हैं उनमें से कोई एक होगा, और उसके बाद वो कितनी रकम की सिक्योरिटी देगा, 10,000, 20,000, 40,000, कितनी देगा, 1, 2, 3, 4, ये सारी चीजें उस मजिस्ट्रेट को लिखित में आदेश करना होगा, और उसके लिए वो 111 के अंतर्गत सशक्त है। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, 112 प्रोसीजर की बात करता है कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में क्या प्रक्रिया, यानी जब वो न्यायालय में व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। प्रोविजन यह है कि यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है न्यायालय में उपस्थित है, तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा, तो न्यायालय में उसे पढ़कर सुनाए जाने की व्यवस्था है। हालांकि व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक रूप से न्यायालय में एक आदेश की कॉपी उसे रिसीव करा दी जाती है, उस पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं और उसे पढ़कर सुनाया हुआ मान लिया जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर वकील होता है और वकील उन कागजों को ही देखता है, व्यक्तिगत रूप से न तो ऐसी व्यवस्था होती है कि उसे पढ़कर सुनाया जाए, वैसे भी जब सीआरपीसी बनी होगी तब ये व्यवस्था चलती होगी, लेकिन आज की तारीख में न्यायालयों की संख्या बहुत कम है और विक्टिम्स बहुत ज़्यादा, एक्यूज बहुत ज़्यादा है, तो इतना समय नहीं होता कि न्यायालय में हर अभियुक्त को ये चीज़ें पढ़कर सुनाई जाए। नेक्स्ट प्रोविजन है 113 में क्या है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, जब उस व्यक्ति को 111 में आदेश तामील कर दिया गया और उसे उपस्थित होने के लिए कहा, आमतौर पर तो पुलिस अरेस्ट करके और वहां प्रेस कर देती है, लेकिन अगर पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई
और मजिस्ट्रेट को सूचना है तो मजिस्ट्रेट 111 में आदेश जारी कर देता है, और अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो 112 की कार्रवाई होगी, और 100 उपस्थित नहीं है तो 113 की कार्रवाई होगी। तो 113 में क्या है कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है तो वारंट के अधीन पुलिस वहां पेश कर देगा, और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई और मजिस्ट्रेट को पता है कि ऐसी कोई संभावना है तो वो 111 में आदेश जारी करेगा, और वह व्यक्ति हाजिर हो गया तो 112 के अनुसार कार्रवाई होगी, और हाजिर नहीं हुआ तो 113 के फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें एक प्रोविजन लगा हुआ है, प्रोविजन है कि परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा इत्तिला पर, जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित किया जाएगा, यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है, और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसी परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता, तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी समय वारंट जारी कर सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को भड़का रहा है, भड़का कर दंगा फसाद कराने की संभावना है, तो ऐसे कंडीशन में इमीडिएट उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, तो वहां पर फिर मजिस्ट्रेट उसे किसी भी समय वारंट जारी कर सकता है, भले ही उसके लिए पूर्व में 111 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया हो या नहीं कारण दर्शित करने के लिए। तो 113 के प्रोविजन इस तरह से कंप्लीट होते हैं, कोई खास चीज नहीं है इसमें। और इसके बाद 114, 114 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। ये जब समन और वारंट जो कि जैसा कि 113 के अंतर्गत है, 113 में जारी किया जाएगा, तो उसके साथ आदेश की कॉपी होगी। कौन से आदेश की? जो 111 में आदेश मजिस्ट्रेट जारी करेगा। तो धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी, और उस समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है, या जो उसे जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है। तो यानी जिस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करना है उस पर उस समन और वारंट के अधीन जो अधिकारी काम कर रहा है वो उस आदेश को 111 में जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश को उसे देगा, परिदत्त करेगा और उसकी रिसीविंग भी करेगा। और अर्जेंट है तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेगा, और अर्जेंट एकदम नहीं है इमीडिएट तो उसे आदेश करेगा कि फला तारीख को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होना है, और जब वो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होगा तो उस 111 के आदेश में लिखा ही है कि उसे कितनी प्रतिभूति देनी है और कितने लोगों की प्रतिभूति देनी है, उसके अकॉर्डिंग दे देगा। लेकिन अगर बहुत अर्जेंट है, इमीडिएट उसको अरेस्ट करना है, तो पुलिस उसे 113 के अंतर्गत जो प्रोविजो है उसके अंतर्गत उसे अरेस्ट भी कर सकती है, अरेस्ट करके न्यायालय में पेश कर देगी। तो इस तरह से ये एक ही प्रक्रिया का भाग है, और चीजें अलग अलग सेक्शंस में लिखी गई हैं, लेकिन इसको आप टोटलिटी में पढ़ सकते हैं। और जब कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए कि उन आधारों को बताइए जिस पर कि किसी व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने के आदेश दिए जा सकते हैं, तो अगर केवल आधार पूछा है तो 106 से लेकर 110 तक में आधार है, अगर प्रक्रिया पूछा है तो 111 से लेके आगे और ऑनवर्ड प्रक्रिया है, ठीक है। आमतौर पर 107 16 हम सुनने में देखते हैं, 107 16 आपने खूब सुना होगा। तो 107 क्या है, तो आपने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है कि 107 में जो आधार दिए गए उन आधारों पर से वो 111 के अंतर्गत आदेश जारी करें। 116 क्या है, इसी क्रम में अभी आ जाएगा। 114 हमने डिस्कस किया आपसे कि जो आदेश जारी किया जाएगा 111 के अंतर्गत वो 113 में जो समन और वारंट लेकर अधिकारी जाएगा वो 111 के आदेश को भी उसके साथ ही उसे तामील करेगा और उसकी रिसीविंग ले लेगा। इसके बाद 115, 115 है वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। क्या प्रावधान है इसमें? यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशांति कायम रखने
या सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और पीड़ित द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। इसमें होता क्या एक्चुअली कि जब कई बार 151 में बंदी होती है तो मौके पर 5-7 लोग जो है पुलिस उसको अरेस्ट करके और मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देती है और सब मुचल के फिर छूट जाते हैं। लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ लोग सर्विस क्लास हो, कुछ लोग बाहर रहते हो, उस दिन आए हो, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वहाँ पर किसी के फंडामेंटल राइट का या किसी की अपूर्णीय क्षति करने का उद्देश्य लॉ का नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में पहली तारीख के बाद जब दूसरी तारीख होती है तो जो लोग वहाँ पे उस हलके में नहीं रहते हैं वो थ्रू द काउंसिल एक एप्लीकेशन लगा देते हैं मजिस्ट्रेट के पास हाजिरी माफ़ी का, और जनरली ये हाजिरी माफ़ी हो जाती है। वो जेन्युइन कॉज दे देते हैं कि भाई मैं फलां जगह रहता हूँ और वहाँ मैं पढ़ता हूँ या नौकरी करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, जो भी है। तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट उसको थ्रू द काउंसिल हाजिरी माफ़ी एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो इसके एक प्रोविजन 115 में बने हुए हैं, एक रिलैक्सेशन। 116 जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, 107 और 16 दोनों साथ में आता है जब 151 की कार्रवाई होती है, 151 सीआरपीसी। तो 116 क्या है, इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो सूचना जो इत्तिला मजिस्ट्रेट को मिली है क्या वो वास्तव में है, उसकी सच्चाई क्या है, इसको पता लगाने की जो कार्रवाई है वो 116 के अंतर्गत प्रावधान है। 116 का सब क्लॉज 1 सबसे पहले ये कहता है कि जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है, धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालना या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो। यानी मजिस्ट्रेट को तो इत्तिला मिली कि भाई फला व्यक्ति है जो कि शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, तो उसने फटाफट 111 में आदेश जारी कर दिया कि भाई उसको अरेस्ट कर लो। लेकिन अरेस्ट करके जब मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट की यह दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि वो फैक्ट का पता लगाए। तो ऐसे कंडीशन में 116 सब क्लॉज 1 में वो जो है इस इत्तिला की सूचना की जांच करने की कार्रवाई करेगा। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि ऐसी जांच यथा साध्य उस रीति से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसके पश्चात विहित है। अब यहां पे एक वर्ड आया समन मामलों के विचारण, ये थोड़ा एडवांस है। 225 से लेकर सेक्शन 225 से लेकर 265 तक में ट्रायल के प्रोविजन दिए गए जिसमें कि समन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल है और समरी ट्रायल है। तो वहां पर जो समरी ट्रायल की प्रोविजन है उसको आप यहाँ पे डिस्कस कर दिया हुआ है। तो आप अभी चाहें तो सेक्शन 60 से लेकर और 225 से लेकर 265 तक के प्रोविजन एक सरसरी तौर पर आप देख लें तो चारों तरह के ट्रायल से आप थोड़े से परिचित हो जाएंगे। उसके बाद सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 3 ये कहता है कि उपधारा 1 के अधीन यानी 116 सब क्लॉज 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से जिसे लेखबद्ध किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे, और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं किया जाता है या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब वह तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकता है। यानी इसमें कई कड़ी है। पहला तो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए मजिस्ट्रेट को कि कोई व्यक्ति है जो शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, तो ऐसी सूचना मिलते ही मजिस्ट्रेट 111 में आदेश जारी कर देगा। 111 के आदेश जारी करते ही दो स्थितियां होंगी, अगर वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हो गया खुद से
तब तो वहां पे उसको आरोप पढ़ के सुना दिया जाएगा और मुचलके पर रिहा हो जाएगा। अगर वो खुद से हाजिर नहीं हुआ तो उसके बाद मजिस्ट्रेट समन या वारंट जारी करके उसको अरेस्ट भी करवा सकता है, और जब वो हाजिर होगा तो उसके बाद उसको पहले तो मुचलके पर मुचलका ले लिया जाएगा, और उसके बाद उसकी जांच भी मजिस्ट्रेट करवाएगा। अगर उसे सही लगा कि नहीं ये जो सूचना मिली है वो सही है, तो वहां पर उसे प्रतिभूतियों सहित और प्रतिभूतियों रहित जैसा भी वो ठीक समझे उसको छोड़ भी सकता है, और जांच पूरी होने तक उसे बंद भी कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये समाज में और ज्यादा उत्पात मचाएगा, ऐसे कंडीशन में। इस तीन सब क्लॉज के बाद कुछ प्रोविजोस लगे हुए हैं परंतु, जिसमें परंतु संख्या ए ये कहता है कि परंतु के प्रोविजन ए बी सी, ए बी दो प्रोविजन है और इसी के सब क्लॉज हैं 4, 5, 6, 7। तो ये जो प्रोविजो है और ऑनवर्ड के प्रोविजन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि आज फिर ये 16 मिनट सा हो गया, काफी लंबा सा हो जाएगा, तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सेक्शन है 116 उसके प्रोविजो और ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।